हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुप्ता फैशन वर्ल्ड। तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी नई वीडियो में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख रहे हो कि मैं कहीं चल के जा रही हूँ, तो यस, वीडियो को सस्पेंस ख़त्म करते हुए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आज मैं जा रही हूँ अपनी मासी के यहाँ। यस, आज मैं अपनी मासी के यहाँ घूमने जा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से नहीं गई, मतलब 1-2 साल से अप्रॉक्स ज़्यादा ही हो गया, तो मैं वहाँ नहीं गई हूँ। तो मैं आ गई हूँ मेट्रो स्टेशन में, मुझे जाना था बहुत दूर। यस, बहुत दूर बोले तो मेरे लिए आधे घंटे का सफ़र भी बहुत दूर होता है, यहाँ तो मुझे 1.5-2 घंटे का सफ़र करना था, तो ये मेरे लिए बहुत 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 दूर था। तो मैं आ गई हूँ त्रिलोकपुरी सेंट्रल लेक मेट्रो स्टेशन में। यस, मेरे घर से ये नियर बाय है, तो इसलिए आ गई हूँ मैं इस वाले मेट्रो स्टेशन। और ये सैंडल्स वगैरह सब कुछ कैरी कर लिया था और अच्छे से रेडी हो गई थी, साथ में मेरी मम्मी थी। हम जा रहे थे किसी इम्पॉर्टेंट काम से, घूमने भी जा रहे थे और इम्पॉर्टेंट काम से भी जा रहे थे, तो इसलिए इसमें चल रही थी, क्योंकि मम्मी एस्केलेटर का यूज़ नहीं करती, ना ही लिफ्ट का यूज़ करती है, बहुत कम करती है, इसलिए मम्मी खुद तो पैदल चल रही थी, साथ में मुझे भी पैदल ही दौड़ा रही थी। तो देखते देखते हमने 2 फ्लोर चल रहे थे, अभी 1 फ्लोर और बाकी था, क्योंकि संजल एक जो मेट्रो स्टेशन है उसमें 2 फ्लोर के बाद आपको कहीं जाके टिकट्स वाला काउंटर मिलता है, तो 2 फ्लोर हम चढ़ रहे थे। देखिए, इसी के साथ मैं आगे बढ़ गई हूँ आगे, अब बस हमें कुछ नहीं करना। बाकी लोग भी लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, एस्केलेटर का कर लेते, पर मेरी मम्मी नहीं करती, इसलिए मुझे भी पैदल मम्मी के साथ भागना पड़ रहा था। बट कोई बात नहीं, अब मम्मी के कंफर्ट की बात थी तो चलना तो पड़ता ही। देखते देखते मैं आ गई थी मेट्रो स्टेशन के अंदर, मैंने एंट्री कर ली थी, यहाँ पे टिकट काउंटर था, यहाँ पे सब ऑनलाइन की वजह से निकाल रहे थे, यहाँ पे मैंने चेकिंग कराई, बिकॉज हमारे पास कार्ड थे तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। फाइनली मैं मम्मी को ज़बरदस्ती कह के लिफ्ट में जाना है, मैं और नहीं चल सकती, क्योंकि मैंने हील्स पहनी थी, इसलिए मैं मम्मी को लिफ्ट में ले आई। लिफ्ट में लेके तो आ गई, पर मम्मी डर रही थी, इट्स ओके, बट मेट्रो आने में कम से कम 3-4 मिनट थे, तो हम तब तक वेट कर रहे थे। कोई बात नहीं, हम वेट कर रहे हैं, वहाँ पे टाइमिंग है। मैंने मम्मी को ये भी सिखाया कि वहाँ से हमें टाइमिंग देखनी है, हमें पता चलेगा। देखते देखते मेट्रो भी आ गई, देखी तो मेट्रो भी बस रुक रही है, हम इसके अंदर एंट्री करेंगे। और देखिए, मैंने एंट्री कर ली, मैंने थोड़ा थोड़ा व्यू आप लोगों को दिखाया बैक साइड से, क्योंकि आगे फ्रंट पे लोग बैठे थे तो लोग ही नज़र आ रहे थे, कोई भी व्यू नहीं नज़र आ रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा बैक करके नज़र आया। आ गई हूँ मैं यहाँ पे, बहुत लिपस्टिक का शेड जो है मैंने बहुत लाइट लगाया, जो आजकल लिपस्टिक हैक चल रही है, मैंने उसी का यूज़ करके ये लिपस्टिक शेड बनाया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वीडियो में हो सकता है थोड़ा लाइट दिखे, पर थोड़ा डार्क था। और जो आइज़ है, इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ जाके शॉर्ट्स में देख सकते हैं। आ गई थी मैं वेलकम से, हमें चेंज कर रही थी मेट्रो, तो वेलकम से हम उतरेंगे, फिर चेंज करेंगे मेट्रो। हम रिठाला वाली मेट्रो पे जाना था, क्योंकि हमें जाना था रोहिणी वेस्ट, हमें जाना था क्योंकि जो मेरी मौसी का घर है वो रोहिणी वेस्ट में है, तो हमें वहीं जाना था। तो अप्रॉक्स हमें 1.5-2 घंटे वहाँ पर ईजिली लग गए जाने में। हेयर स्टाइल मैंने कोई नहीं किया था, इतना टाइम नहीं था, सिंपल सी एक शॉर्ट पहनी थी, बेल बॉटम जीन्स पहनी थी। हमारा प्लान जो है बहुत सडनली का बना, इसलिए मैं अच्छे से रेडी भी नहीं हो पाए, बट इतना मेरे लिए रेडी होना इनफ था। अभी मेरे कान में जो है इयररिंग्स बाद में ही मैंने डाले, पहले इयररिंग्स भी नहीं पहने थे, तो 1-2 शॉट ऐसे जिसमें इयररिंग्स नहीं है और बाकी के शॉट में इयररिंग्स है। तो उतर गई हूँ मेट्रो स्टेशन से। देखिए, वीडियो को मैंने छोटे छोटे क्लिप में बांट के बनाया, इसलिए पूरा वीडियो नहीं आ पाया, पर आ गई हूँ मैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ से ई रिक्शा मैंने लिया है मौसी के यहाँ जाने के लिए, तो मेट्रो स्टेशन तो मैंने क्रॉस कर दिया, अब मैं उतर गई, ई रिक्शे में जा रही हूँ, पहली बार जा रही हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी, बट मम्मी को लेके जाना था, मम्मी को सेफली एकदम लेके जाना था, तो इसी के साथ हमने कर लिया था रिक्शा, उस पर हम जा रहे थे। मैं नज़ारा देखती रह रही थी, वो इसलिए क्योंकि कई बार हम जाते हैं तो हमें चीज़ें याद होनी चाहिए, इसलिए एक एक चीज़ मैं देख के चलती हूँ, कहीं कुछ मिस ना हो जाए ऐसा, जिससे हमें अगली बार रास्ता ढूंढने में ईजी रहे, तो मैं सारी चीज़ें देख के चलती हूँ। हम कर गए थे उनकी गली में प्रवेश, अब हमें इसी गली से जाना था उनके घर में। तो बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, हील्स पहनी थी, धूप इतनी तेज़ हो रही थी कि क्या ही बताऊं, पर कोई बात नहीं, मम्मी थी, मैं थी, दोनों बातें कर करके चल रहे थे, मज़े में थे एकदम, टनक टन हमें जाना था। हमें राधा और गुल्लू से भी मिलना था, मौसी के बच्चों से, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट हैं, तो वो बहुत ज़्यादा क्यूट थे। देखिए, देखते देखते मैं आ ही रही हूँ, बस मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया जाके, एक दिन हमने स्टे भी किया। नेक्स्ट डे, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, हम यहाँ गए क्यों? यस, तो हम इसलिए गए क्योंकि बाकी लोगों के यहाँ जो होता है दिवाली में भाई दूज होता है, तो हमारे यहाँ होली के बाद भी होता है, तो ये हमारे यहाँ का कल्चर, तो जिसके लिए भाई दूज के लिए टीका काटने के लिए मुझे चाहिए थे मिठाई, तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ मिठाई थी, पर मुझे ज़्यादा खास कलेक्शन यहाँ पे नज़र नहीं आया, पर उनके यहाँ पे था तो अब क्या कर सकते थे, अपने यहाँ तो हम नहीं आते ना, तो ज़्यादा कलेक्शंस मिठाई का और स्वीट्स का यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। बट इट्स ओके, मेरे को जो है डोडा बर्फी कुछ ठीक लगी, क्योंकि मैं ऑफकोर्स मैं डोडा बर्फी पसंद करती हूँ, मेरे मामा को भी डोडा बर्फी पसंद है, इसलिए हम लोगों ने डोडा बर्फी कैरी कर ली यहाँ पर। तो हमने 3-4 डब्बे ले लिए थे,
क्योंकि मेरे 3-4 मामा हैं उनके लिए ले लिए। यहाँ पे मैं मिरर में दिखा रही हूँ, बस ये मौसी के घर की लिफ्ट है, इसके बाद हम उनके घर पहुँच जाने वाले हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, लाती रहूँगी मैं ऐसी ऐसी वीडियो। तो आ गए हैं हम मौसी के फ्लोर में, मौसी का जो था 3rd फ्लोर था, हम वहाँ पर आ गए। अब हमें करनी थी अंदर एंट्री, क्योंकि राधा का कई बार फोन आ गया था, वो कर रही थी हमारा वेट, तो इसी के साथ करने जा रहे हैं हम अपनी एंट्री। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप आपको वीडियो पसंद आई है। ये रही मेरी प्यारी सी गुल्लो, और ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा सुंदर भी है, तो मुझे ये अच्छी लगी। और ये रही मेरी मौसी, जो कि ऐसे थे, हम बहुत ज़्यादा थक गए, मम्मी के बहुत ज़्यादा पसीना भी आ गया, और उसी के साथ हमारी राधा यहाँ पे और गुल्लो यहाँ पे पोयम देख रही थी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो बाय बाय गाइज।